यशया अध्याय 37। राजा का यशया से सलाह मांगना। जब हिजकिया राजा ने यह सुना तब वह अपने वस्त्र फाड़ और टाट ओढ़ कर यहोवा के भवन में गया। उसने एलियाकीम को जो राजघराने के काम पर नियुक्त था और शेबना मंत्री को और याजकों के पुरनियों को जो सब टाट ओढ़े थे आमोस के पुत्र यशया नबी के पास भेज दिया। उन्होंने उससे कहा, हिजकिया यूं कहता है, आज का दिन संकट और उलाहने और निंदा का दिन है। बच्चे जन्मने पर हुए पर जच्चा को जन्ने का बल न रहा। संभव है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने रबशाके की बातें सुनी, जिसे उसके स्वामी असुर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है, और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी उसके लिए उन्हें दुपट्टे दपट्टे। अतः तू इन बचे हुओं के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। जब हिजकिया राजा के कर्मचारी यशया के पास आए तब यशया ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यूं कहता है कि जो वचन तूने सुने जिनके द्वारा असुर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की उसके कारण मत डर। सुन, मैं उनके मन में प्रेरणा उत्पन्न करूंगा जिससे वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। असुर की धमकी। तब रबाके ने लौटकर असुर के राजा को लीबना नगर से युद्ध करते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वह लाकीस के पास से उठ गया है। उसने कुश के राजा तिरहाका के विषय यह सुना कि वह उससे लड़ने को निकला है। तब उसने हिजकिया के पास दूतों को यह कहकर भेजा, तुम यहूदा के राजा हिजकिया से यूं कहो, तेरा परमेश्वर जिस पर तू भरोसा करता है यह कहकर तुझे धोखा न देने पाए कि यरूशलेम असुर के राजा के वश में न पड़ेगा। देख, मैंने सुना है कि असुर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया कि उनका सत्यानाश ही कर दिया। फिर तू क्या बच जाएगा? गोजोन और हारान और रेसेप में रहने वाले जिन जातियों को, तलसार में रहने वाले एदेमी लोगों को मेरे पुरखाओं ने नष्ट किया, उनके देवताओं ने उन्हें बचा लिया। हमात का राजा, अरपाद का राजा, सपरवेम नगर का राजा और हेना और इवा के राजा, ये सब कहाँ गए? इस पत्री को हिजकिया ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा, तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया और यहोवा से यह प्रार्थना की, हे सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पर विराजमान इज़राइल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही इस परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तूने ही बनाया है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन। हे यहोवा, आँख खोल कर देख और शनेरीब के सब वचनों को सुन ले, जिसने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को लिख भेजा है। हे यहोवा, सच तो है कि असुर के राजाओं ने सब जातियों के देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर न थे, केवल मनुष्य की कारीगरी काठ और पत्थर ही थे, इस कारण में उसका नाश न कर सके। अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उनके हाथ से बचा, जिससे पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। राजा के लिए यशया का संदेश। तब आमोस के पुत्र यशया ने हिजकिया के पास यह कहला भेजा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तूने जो असुर के राजा सेनरीब के विषय में मुझसे प्रार्थना की है उसके विषय यहोवा ने यह वचन कहा है, सियोन की कुमारी कन्या तुझे तुच्छ जानती है और ठट्ठों में उड़ाती है, यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है। तूने किसकी नाम धराई और निंदा की है? तूने जो बड़ा बोल बोला और घमंड किया वह किसके विरुद्ध किया है? इज़राइल के पवित्र के विरुद्ध अपने कर्मचारियों के द्वारा तूने प्रभु की निंदा करके कहा है कि बहुत से रथ लेकर मैं पर्वतों की चोटियों पर वरन लबालोन के बीच तक चढ़ आया हूँ। मैं उसके ऊंचे ऊंचे देवदारों और अच्छे अच्छे सनौरों को काट डालूंगा और उसके दूर दूर के ऊंचे स्थानों में, उसके वन की फलदायी बारियों में प्रवेश करूंगा। मैंने खुदवा कर पानी पिया और वस्त्र की
मिस्र की नहरों में पांव रखते ही उन्हें सिखा दिया। क्या तूने नहीं सुना कि प्राचीन काल से मैंने यही ठाना और पूर्व काल से इसकी तैयारी की थी, इसलिए मैंने यह पूरा भी किया कि तू गढ़ वाले नगरों को खंडर ही खंडर कर दे। इसी कारण उनके रहने वालों का बल घट गया और वे विस्मित और लज्जित हुए। वे मैदान के छोटे छोटे पेड़ों और हरी घास और छत पर की घास और ऐसे अनाज के समान हो गए जो बढ़ने से पहले ही सूख जाता है। मैं तो तेरा बैठना, कूच करना और लौट आना जानता हूँ, और यह भी कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है। इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता और तेरे अभिमान की बातें मेरे कानों में पड़ी है, मैं तेरी नाक में नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपनी लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी मार्ग से तुझे लौटा दूंगा। और तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि इस वर्ष तो तुम उसे खाओगे जो आप से आप उगे, और दूसरे वर्ष वह जो उससे उत्पन्न हो, और तीसरे वर्ष बीज बोकर उसे लवने पाओगे, और दाख की बारियां लगाने और उसका फल खाने पाओगे। यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फूलेंगे फलेंगे, क्योंकि यरूशलेम से बचे हुए और सियोन पर्वत से भागे हुए लोग निकलेंगे। सेनाओं का यहोवा अपनी जलन के कारण यह काम पूरा करेगा। इसलिए यहोवा सूर के राजा के विषय यूं कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा, और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बांधने पाएगा। जिस मार्ग से वह आया है उसी से लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश करने न पाएगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने निमित और अपने दास दाऊद के निमित इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। तब यहोवा के दूत ने निकलकर असुरियों की छावनी में 185,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब क्या देखा कि सब ही सब पड़े हैं। तब असुर का राजा सेनरीब चल दिया और लौटकर नीनवे में रहने लगा। वहां वह अपने देवता निस्क्रोन के मंदिर में दंडवत कर ही रहा था कि इतने में उसके पुत्र अद्रमेलेक और सेरेसेर ने उसको तलवार से मारा और आरात देश में भाग गई। तब उसका पुत्र इशोदोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। थैंक यू।